जैसे हम पहला मेरा जो टॉपिक है वो है आपका विटामिन। विटामिन के बारे में बताएंगे, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के टाइप क्या होते हैं, विटामिन के सोर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि अब मैं विटामिन के बारे में मैंने क्लासिफाई कर दिया है, टू टाइप में क्लासिफाई कर दिया है विटामिन को, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो आपके होते हैं बी एंड सी। क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी एंड सी। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो आपके होते हैं ए डी ई के। कौन से होते हैं? ए डी ई के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए डी ई के होते हैं। फिर अब हम इनके रासायनिक नाम और इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम विटामिन वसा में घुलने वाले घुलनशील विटामिन के बारे में बात करें तो इनसे कौन सी बीमारियां होती है। जैसे कि ए की बात कर रहे हैं हम, ए का जो रासायनिक नाम है ये क्या दे रखा है, हमारा रासायनिक नेम है, ये सारे क्या है, केमिकल नेम है। तो ए का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इससे जो बीमारी होती है वो होती है रतौंधी। क्या होती है? रतौंधी। रतौंधी ऐसी बीमारी है जिसमें रात में दिखाई नहीं देता, मतलब धुंधला दिखाई देता है, मीन्स रेटिनॉल। रेटिनॉल को और दूसरी तरीके से हम ऐसे पता कर सकते हैं कि ये आंख से रिलेटेड बीमारी है, क्योंकि रेटी रेटी वर्ड रेटिना कहाँ से निकल के आता है? रेटिना कहाँ होता है? आपकी आइज में होता है। आइज में होता है तो इसका मीन्स क्या हुआ, रेटिना से रिलेटेड कौन सी बीमारी होगी? रतौंधी। और इसी से इसका केमिकल नेम निकल के आ जाता है रेटिनॉल। तो हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, रेटिनॉल से। ओके, अब हमारा आता है सेकेंड कैल्सिफेरॉल। सेकेंड आता है हमारा डी, जिसको बोलते हैं हम कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल का क्या है? कैल्सिफेरॉल का डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सिफेरॉल है। इससे होने वाली बीमारी क्या है? रिकेट्स। रिकेट्स है। कभी कभी आपके लोगों ने जो पेरेंट्स वगैरह कभी सुन लिया होगा, यूं कहते हैं कि ज्यादातर धूप में रहने से बोन्स वगैरह ज्यादा मजबूत होती हैं, या फिर जो लोग लेबर होती है उनकी बोन्स ज्यादा मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी जो होता है हमें सन से गैप होता है, क्योंकि जो सन से हमें जो रेज मिलती है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, वो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन करने के बाद विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है वो कहाँ से हमें मिलता है? वैसे तो विटामिन डी हम नेचुरली सन से प्राप्त कर लेते हैं, सन से मिल जाता है। और इससे होने वाली बीमारी क्या है? रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें इंसान कैसा हो जाता है, इंसान की बोन्स क्या हो जाती है, थोड़ी पतली थिन टाइप की हो जाती है। तीसरा आता है आपका ई। ई क्या है? टैकोफेरॉल। टैकोफेरॉल का इसकी कमी से ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल, और इसकी कमी से काम जो होता है फर्टिलिटी में कमी आ जाती है, मतलब जनन शक्ति में कमी हो जाती है। और चौथा है आपका के। के क्या है? के का नाम है, रासायनिक नाम है फिलोकिनोन। फिलोकिनोन के का क्या नाम है? फिलोकिनोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादातर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि हमारी बॉडी में जब रुधिर का थक्का बनता है, मतलब ब्लड का थक्का जमता है, तो कौन हेल्प करता है? तो विटामिन के करता है। विटामिन के की हेल्प से क्या होता है, रुधिर का थक्का जम जाता है, मतलब ब्लड का क्लॉट जम जाता है। तो विटामिन के की क्या हेल्प करता है? क्या हेल्प करता है? रक्त का थक्का ना बनने देता है। अब आते हैं हम जो जल में घुलनशील है, उन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे जो जल में घुलनशील है, जैसे कि विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी और एंड सी के बारे में बात करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड से और विटामिन सी की कमी से जो कमी होती है, बीमारी होती है, जो डिसीज होती है, वो आपकी होती है स्कर्वी। कौन सी डिसीज होती है? स्कर्वी। स्कर्वी की डिसीज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो जबड़ा मसूड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, अब आता है विटामिन बी की।
विटामिन बी के बारे में बताते हैं। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसके कई टाइप है और जिस हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई भी कर रखा है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। अब विटामिन B1 के बारे में बताते हैं। विटामिन बी B1 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन बी का क्या नेम होता है केमिकल? थायमिन। इसकी डिसीज, इससे की कमी की वजह से जो डिसीज होती है वो होती है आपकी बेरी बेरी। कौन सी डिसीज होती है? बेरी बेरी। अब आता है विटामिन B2। B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से जो डिसीज होगी वो होती है आपकी त्वचा का फटना। स्किन क्या हो जाती है? फट जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है? राइबोफ्लेविन की वजह से होती है। हमारी स्किन जो होती है फटने लग जाती है, दरार पड़ जाते हैं, स्किन एकदम ड्राई टाइप की हो जाती है। और B3 के बारे में बात करें तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है निकोटिनामाइड। क्या होता है? निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी की वजह से पेलेग्राफ बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? पेलेग्राफ बीमारी हो जाती है। B5 का B5 आ रहा है तो 5 का मीन्स होता है पेंटा। क्या होता है? पेंटा। तो नाम में ही क्या छुपा हुआ है? इसका सेंस छुपा हुआ है, पेंटोथोनिक। क्या सुना है? पेंटोथोनिक अम्ल। B5 का केमिकल नेम क्या है? पेंटोथोनिक अम्ल। इसकी वजह से इसकी कमी अगर हमें होगी तो हमें कौन सी डिसीज हो जाएगी? मंद बुद्धि। मतलब जो हमारी रीजनेबिलिटी है वो हमारी वीक होती जाएगी, मतलब जो डिसीजन धीरे से ले पाएंगे। B6 का जो है वो उसका नाम है पायरीडॉक्सिन। B6 का क्या है? पायरीडॉक्सिन। पायरीडॉक्सिन इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी होने की वजह से हमारे अंदर क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाती है। और B7 को हम बोलते हैं बायोटिन। B7 का केमिकल नेम है बायोटिन। इसकी कमी से लकवा हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है। और B11 का है रासायनिक नेम जो है वो है फॉलिक अम्ल। क्या है केमिकल नेम? फॉलिक अम्ल। इसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। और B12 का है साइनोकोलमिन। कोलमिन क्या है? B12 का साइनो कोवालमिन, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। और ये B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली क्या है, इसमें कोवाल्ट के नाम से भी जाना जाता है, कोवाल्ट भी होता है। तो B12 भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो केमिकल नेम ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, केमिकल नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पूछ लिए जाते हैं।